हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस दर कंप्यूटर सेंटर में। आपको नवोदय विद्यालय के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं सेशन 2023-24 के लिए, तो उसके फॉर्म आज आ चुके हैं। सिंपली ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका सक्सेस दर कंप्यूटर सेंटर में, जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स फ्री में देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, और साथ ही इसका मिलता है आपको एक फ्री में सर्टिफिकेट। तो चलिए शुरू करते हैं नवोदय विद्यालय फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपको नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल करने के लिए आपको मैं बताता हूं कि आपको जाना क्या होगा। आपको गूगल पर हमारी वेबसाइट है जो filter.com/blogspot.com, यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी, और इस विंडो में यहाँ पर बिल्कुल नया अपडेट है, जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के साथ यहाँ पर अबाउट पोस्ट के बारे में सारी जानकारी दी है, क्योंकि ये अभी न्यू अपडेट है और उसकी पोस्ट अपडेटेड जो है 2 जनवरी को हुई है, जिसमें 2 जनवरी को ही ऑनलाइन फॉर्म आए हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 तक ये फॉर्म फिल कर देना है, और इसका एडमिट कार्ड भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम जो है वो 29 अप्रैल को है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है कि जो विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, या 2022-23 के सेशन में कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, या 4th क्लास से 5वीं में आए हैं, उनके लिए ही ये क्राइटेरिया है। उसके साथ यहाँ पर जो हमें डॉक्यूमेंट की नीड होगी, उसमें ये कोई सर्टिफिकेट चाहिए वेरिफाइड जो हेड मास्टर के द्वारा होगा। ठीक है, उसके साथ एक बच्चे का फोटो कॉपी चाहिए, सिग्नेचर चाहिए पेरेंट के, और सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट के, विद्यार्थी के, और आधार कार्ड की डिटेल्स चाहिए, या रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा होना चाहिए, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा सिंपली अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक हेयर पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी नवोदय विद्यालय की साइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ये ऑप्शन खुलने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि लास्ट डेट दी है इसमें 31 जनवरी 2023 तक। ठीक है, एडमिट कार्ड जल्दी ही इशू हो जाएगा, और जो एग्जाम की डेट है वो 29 अप्रैल 2023 है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास या स्टडी क्लास 5th फेलियर इन द सेशन 2022-23। अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 4-5 में पास होकर आया है, या कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो वही विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम यस करेंगे, नो देखिए, अगर हम यस करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम नो करते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जवाहर नवोदय लिए कि अभी हाल ही में इसमें पार्टिसिपेट किया है अपीयर में, तो हमें नहीं हुए हैं। अगर हम यस करते हैं तो वो अप्लाई नहीं होंगे, हमें नो करना होगा। ठीक है, उसके बाद हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट, यस हमने प्रोस्पेक्ट को पढ़ लिया, यस और नो करना है। तो प्रोस्पेक्ट को आप जैसे ही प्रोस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं बैक, और बैक जाने के बाद हम नवोदय विद्यालय की वेबसाइट को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं यस। उसके बाद यहाँ पर वेयर आर यू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिस्टेंट एंड क्लास 5th स्टडी इन द सेम, यस इसको भी हम यस करेंगे। उसके बाद द सर्टिफिकेट साइन बाय द हेड मास्टर, जो एक सर्टिफिकेट होगा जिसको मैं अभी आपको अभी बताऊंगा कि वो कहाँ पर है। प्रोस्पेक्ट के पेज नंबर 29 में प्रोस्पेक्ट दिया है, उस पेज को 29 के पेज को प्रिंट करना है, और उस प्रिंट को पेरेंट द्वारा फिल करके हेडमास्टर से उसको वेरीफाई कराना है, और उसकी यहाँ पर पोस्ट जो है उसको स्कैन करके फोटोकॉपी इसकी लगेगी। तो यस हमने उसको वेरीफाइड करा लिया है, तो उसके लिए हम यस करेंगे, उसको हम यस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर दिया है कि वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 टू एडमिटेड द क्लास 5th इन 31 जुलाई 2022, यानी कि कक्षा 4 से कक्षा 5 के लिए क्या वो प्रमोट हो चुका है 31 जुलाई 2022 के अंदर। तो हमें ये क्या करना है, वो यस करना है। तो ये जो आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है, इस आधार के यहाँ पर इसको यस कर देते हैं, और यस आधार कार्ड के नंबर पर जैसे ही हम यस करते हैं तो यहाँ पर एक हमें आधार कार्ड नंबर देना होगा। और जैसे ही हम आधार कार्ड नंबर देते हैं तो आधार कार्ड नंबर पर जो रजिस्टर्ड नंबर होगा एक उस पर ओटीपी जाएगा, और ओटीपी जब हम पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनली, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ अदर पेरेंट
ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। ओके, यहाँ पर हम ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक हमें फाइल अटैच करनी पड़ेगी जो 50 से लेके 300 KB के आकार में होगी। ये JPG फॉर्म या GPG फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से हम चूज द फाइल पर क्लिक करेंगे और चूज द फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक सर्टिफिकेट को क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो देखिए जब आप आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे और उस पर OTP जनरेट कर देंगे तब भी यही विंडो ओपन होनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर रजिस्टर्ड नहीं है अपने फोन नंबर जिस पर OTP जा रहा है तो आप कोई गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी पढ़ रहा है, यहाँ पर हम राज्य का चयन कर लेंगे। मान लीजिए ये हमारा जो है राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। उसके बाद वो उस जिले का चयन कीजिए, मान लीजिए ये हमारा जिला है और हम यहाँ से कोई जिला ले लेते हैं, जैसे हमारा जिला हो गया। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश जो है आवासीय राज्य का चयन अपना ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर लेगा, इसको आवासीय जिले का चयन हो जाएगा। यहाँ पर की उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो जो भी ब्लॉक है यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारा हापुड़ है और हम यहाँ पर उस स्कूल का नाम चॉइस कर लेंगे। यहाँ से हम उस स्कूल का नाम लिख लेंगे, उम्मीदवार का नाम हम यहाँ से लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम उसका फोन नंबर लिख देंगे और फोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, जैसे मान लीजिए हमारी ये डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर हम उसकी ईमेल आईडी लिख देंगे और ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर हम उसके मदर का नाम और यहाँ से अभिभावक का नाम लिख देंगे। उसके बाद अभिभावक का नाम यानी कि माता का नाम, अभिभावक का नाम और ये गार्जियंस का नाम, जो आपके अभिभावक होते हैं वही गार्जियंस होते हैं, यहाँ पर हम गार्जियंस का नाम लिख देंगे। और उस अभिभावक यानी कि जो हमारे गार्जियंस जो देख रेख करते हैं उसका हमारे से क्या संबंध है, संबंध को लिख देंगे। नेशनलिटी हमारी क्या है, इंडियन है कि हम भारतीय हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में हम यहाँ कोई अपने शरीर में जो बच्चे का साइन है, मान लीजिए उसके कोई राइट हैंड पर लेफ्ट हैंड पर मार्क हेड पर या लेग में कोई मार्क है तो हम उस पहचान को लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद हम यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसकी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है, चाहे OBC हो चाहे SC हो, OBC के लिए जो है जो बात है वो जनरल में आएगा, जनरल के जनरल में जाएंगे, SC के लिए केवल SC का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिख देंगे और एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर हम पिन कोड लिख देंगे, यहाँ पर हम पिन कोड लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम परीक्षा का माध्यम लिखेंगे जो भी हमें लेना है हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद यहाँ हम STD कोड लिख देंगे और यहाँ हम टेलीफोन लिख देंगे। टेलीफोन नंबर के बाद यहाँ विकलांगता है या नहीं तो हम यहाँ पर इसको नन कर देंगे क्योंकि यहाँ कोई विकलांगता नहीं है। उसके बाद रिलीजन लिख देंगे, यहाँ हिंदुज्म है या इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिक्किम है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जोर्डनिज्म है या अदर कोई भी है जो, तो हम यहाँ उसमें लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आधार नंबर लिख देंगे, जो आधार नंबर हमने पहले लिखा था उसी आधार को। उसके बाद यहाँ पर हम उनकी अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम लिख देंगे और यहाँ फिर उसके बाद यहाँ पर मैन आता है पिछला स्कूल का विवरण, और पिछला स्कूल के विवरण में हमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का विवरण चाहिए। तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको एक जो मास्टर हेडमास्टर द्वारा सर्टिफाइड होता है उस प्रोस्पेक्ट को पेरेंट्स से भरवाकर मास्टर हेड से सिग्नेचर कराना बहुत जरूरी है, तभी आप इस डाटा को फिल कर पाएंगे, क्योंकि इसका डाटा ज्यादातर जो स्कूल्स होते हैं या पेरेंट्स के पास ही आपको मिल सकता है। तो यहाँ से आप कक्षा 3 का विवरण लिख सकते हैं जिसमें उस राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, उस गांव का नाम जहाँ पर विद्यालय है, उस स्कूल का नाम, उसको मान्यता प्राप्त है या नहीं, उसकी स्कूल की स्थिति अर्बन है रूरल है, या आप प्रवेश लेने की तिथि क्या थी, माह क्या था और उसके बाद उसमें उत्तीर्ण कब हुआ, इसी प्रकार कक्षा 4 का और इसी प्रकार कक्षा 5 का हमें यहाँ पर लिखना है। और ये चीजें हम ऑलरेडी पहले ही इसको कर चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो है उम्मीदवार का फोटो, विद्यार्थी का फोटो लेंगे, यहाँ पर उसके हस्ताक्षर लेंगे और यहाँ पर माता या किसी या माता या पिता के हस्ताक्षर, और उसके बाद यहाँ पर हेडमास्टर द्वारा जो सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर अटैच करके उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी डाटा फिल नहीं किया इसलिए ये आ रहा है। तो इतना करने के बाद फिर ये आपका फाइनल पेज ओपन हो जाएगा और इस फाइनल पेज में अगर आप उसको अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कोई गलती लगती है तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक एडिट का और एक फाइनल सबमिशन का।
अगर आपकी कोई गलती है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, और आपकी सारी डिटेल्स कंप्लीट हैं तो आप फाइनल पे सबमिट पे करके उसको फाइनल कर देंगे। उसके बाद आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और उसको फिर लास्ट में आप प्रिंट फॉर्म को प्रिंट करके रख लीजिएगा। तो इस प्रकार आप इस नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाने जाता हूँ कि आप अगर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा को तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इस को फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।